पार्टीचा जय येशु। रमेश सिंह जी आगे बढ़ो। इस साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आपकी महायुति है, आपके साथ शिवसेना भी जो पिछले साल नहीं थी, और ये मालोनी का जो इलाका है मराठपुर में जो विधानसभा क्षेत्र है, रमेश सिंह पहली बार लड़ रहे हैं, उसका पूरा कैसा दायित्व आपने रणनीति किस तरीके से बनाई है? नीति ऐसी है कि इस बार सबसे पहले जीत का जो सबसे बड़ा मंत्र हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हो गई। इसके कारण पिछली बार हम लोग 2300 से माइनस थे, 2300 से हम इस विधानसभा की सीट हम लोग ने गवाई थी, लेकिन इस बार भाजपा सेना युति आरपीआई रासपा की युति है। पिछले 2019 के लोकसभा में हम लोग यहाँ से विधानसभा मराठ विधानसभा 20,000 से लीड से जीते, तो इस बार जीत तो निश्चित है। और हमारे जो कैंडिडेट है रमेश सिंह ठाकुर, उनका जोरदार प्रचार है, उनका प्रभाव है, और बहुत मजे हुए हैं। जो लोग यहाँ पर अफवाह कर रहे हैं कि वो बाहर से आए हैं यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो काम करने वाले हैं, तो काम करके उन्होंने दिखाया है कांजली ईस्ट में। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके साथ है, और वो मालोनी मलाड में विकास चाहता है। वही असलम शेख जो यहाँ के काफ़ी नामचीन चेहरे हैं, उन्होंने कई बार यहाँ से विजय प्राप्त किए उम्मीदवारी में, लेकिन उन्होंने जो एक कमेंट किया रमेश सिंह के ऊपर, उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, वही रमेश सिंह कांदिवली से आए दूसरे हैं, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी? वो मालोनी का बेटा बनने जा रहे हैं, जो 25-30 साल यहाँ पर राज किया, सत्ता में रहा, उनके पिताजी रहे, तो मालोनी का विकास नहीं किया। अब उनको डर लग रहा है कि मैं हार जाऊँगा। इसके लिए कहते हैं कि अब मालोनी का बेटा है, इसके पहले वो चुनाव जीतते थे बीजेपी आ जाएगी सत्ता में तो ये हो जाएगा, आपके घर टूट जाएंगे, आपके ये हो जाएंगे, ऐसा डर डरा के अपनी कौम के लोगों को उनका वोट लिया। वोट लेने के बाद आज 20 साल से यहाँ की मालोनी की जनता, मलाड की जनता उनको जिता रही है, लेकिन विकास का कोई काम नहीं किया। और रमेश सिंह ठाकुर जी काम करने वाले हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। दूसरी बात, और एक बात कहूँगा कि मालोनी का बेटा यहाँ का और एक इतिहास है कि राम भाव जब इलेक्शन लड़े थे पहला चुनाव अपना, रहते थे गोरेगांव, और जाकर उन्होंने बोरुली में चुनाव लड़ा था और जीत के आए थे। आज तक वहाँ पर आप बोरुली देख सकते हैं कितना विकसित है, वही परंपरा यहाँ पर रमेश सिंह ठाकुर आकर वो पूरा करेंगे। फिर उनका कहना था कि गोपाल शेट्टी जो सांसद है, उन्होंने मालोनी और मढ़ में कुछ काम नहीं किया है। नहीं, गलत बात है। सारा काम इसके पहले आप देखेंगे अगल बगल की विधानसभाओं में, चारको, गोरेगांव, बाकायदा टाउनशिप प्लानिंग के अंदर हर चीज, हर विकास हो रहा है, लेकिन वो मलाड में पिछले 25 साल से कुछ नहीं है। ना डीपी रोड, जो रोड है वो ना डीपी में डाले गए, एक भी रोड डाला नहीं गया था। खासदार गोपाल शेट्टी जब 2014 में उनके आए तो तुरंत उन्होंने जितने रोड मलाड से मालोनी से जुड़ सके उनको डीपी में डाला। लिंक रोड जो है मलाड का बस डिपो के पास से, वो लगून रोड को जुड़ेगा। ऐसे कई ब्रिजेस बनाकर, एलिवेटर ब्रिज बनाकर हम उसको जोड़ेंगे। दूसरी बात, खासदार ने किया कि जो लगून रोड है वो अंधेरी लोखंड वाला तक ब्रिज बनाकर जोड़ा जाएगा, जो मढ़ वर्सोवा का पुल बनाकर उसको जोड़ा जाएगा, मारवे मनोरी से ब्रिज बना के जोड़ा जाएगा, और कई रास्ते जो आप देखोगे SP रोड पॉइंटिंग हुआ है जो बाटा से लेके श्रीदेवी होटल तक, देखो कितना चौड़ाकरण हो गया, ये खासदार गोपाल शेट्टी के देने। दूसरी बात, आप मारवे रोड कोई सोच नहीं सकता था, जहाँ असलम शेख का घर है वहाँ पर आज इतने दिन से वो नैरो रोड था, ट्रैफिक जाम होता था, खासदार गोपाल शेट्टी ने उसको भी वाइड करके दिखा दिया। दूसरी बात, खासदार गोपाल शेट्टी ने यहाँ खेलने का मैदान नहीं था बड़ा, तो उसके लिए प्रयत्न करके CPWD जो मालवीय पुलिसिंग के बगल में जो मैदान है उसमें 20 एकड़ का मैदान पास हो गया, उसकी बाउंड्री मार ली गई है, वहाँ पर एक 12वीं कक्षा तक एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल पास करा लिया है, एक रास्ता जो अब्दुल हमीद रोड से लेके कच्चा रोड जोड़ने वाला वो रास्ता पास करा लिया है। तो ऐसे अनगिनत काम किया है। सबसे पहले उन्होंने ये भी किया कि जो 36 इंच की पाइप की लाइन, पहले हमारे मलाड के लोगों को पानी गुराई से आता था, गुराई से
फिर कांदोली, फिर चारको, फिर मलाड, फिर मट जाता था, जिसके कारण गंदा पानी हमको मिलता था। और गंदे के साथ ये भी था कि प्रेशर से पानी आता नहीं था। लेकिन उसके लिए खासदार गोपाल चड्डी ने पहले चरण में उन्होंने 36 इंच की पाइपलाइन मलाड टनल से डालकर, आप देखेंगे रायन स्कूल के बगल से वो आई हुई है, और अच्छा पानी मिले, प्रेशर से पानी मिले। पहला उन्होंने 36 इंच की पाइपलाइन डाली मालोनी मट के लोगों के लिए, मलाड के लोगों के लिए सेपरेट। उसके बाद उन्होंने सभी को पानी मिले, इसलिए जीआर पास कराया। पहले ऐसा था कि 2000 के लोगों को सिर्फ पानी मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता था। लेकिन उन्होंने एक जीआर ऐसा लाया कि 2017 तक के लोग जो है, झोपड़े हैं या यहाँ के नागरिक है, उनके पास 2017 तक का पूरा हुआ है, उनको पानी मिलेगा। और अब मालोनी मठ, आजमी नगर, अम्बोजवाड़ी में काफ़ी स्लम है, तो स्लम होने के कारण ऐसा था कि 1195 तक ही झोपड़े को प्रोटेक्शन था। लेकिन हमारी सरकार आके, खासदार गोपाल ने निरंतर उस पर प्रयास करके 2011 तक का झोपड़ों को प्रोटेक्शन देने का ये काम किया। ये सारे जो सरकारी काम है, जीआर बनाना करना, खासदार गोपाल चड्डी ने करके रखा है। अब रमेश सिंह ठाकुर जब चुन के आएंगे तो उसी कामों को विकास को तेजी देंगे, साथ देंगे, और तेजी से इस मलाड विधानसभा का विकास होगा। अगर समझ जाइए, इस विधानसभा चुनाव में रमेश सिंह जीत जाते हैं, तो किस तरीके से विकास होगा मलाड पूर्व का? एक तो मंत्र जो हमारे मधु मोदी जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी पे खासदार गोपाल चड्डी हमारे चलते हैं। उसके बाद जब रमेश सिंह जी भी चुन के आएंगे, उसी पद पर चलेंगे। जो जितने रोड है, जो डीपी में खासदार गोपाल चड्डी ने डाल चुका है, उसको तेजी से बनाने का काम, ब्रिज बनाने का काम, गटर बनाने का काम, नाला बनाने का काम, रोड वाइंडिंग का काम, कोली समाज के लिए जो हो सके उनको मच्छी छुपाने के लिए, या पर्याप्त जगह नहीं है, यहाँ के आमदार के स्लम लॉर्डों ने कब्जा करके और झोपड़े बना दिए, तो एक नया उनको हम मच्छी सुखाने के लिए भी रमेश सिंह ठाकुर उनको जगह देंगे, ताकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे कोली बंधू रहते हैं, तो उनको वो जगह प्राप्त करना। एक बड़ा टूरिज्म का प्लॉट है जो दानापानी के पास है, 18 एकड़ का, उसको विकसित करना, वहाँ के कोली लोगों को रोजगार देना, ये सारे काम आने वाले दिनों में बड़ी तेजी से करेंगे रमेश सिंह ठाकुर। दूसरी बात ये था कि खासदार चुन के आए, लेकिन उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, 6 विधानसभा उनके क्षेत्र में, फंड कम पड़ता था, केंद्र सरकार राज्य सरकार को फंड देती है, लेकिन यहाँ का आमदार निकम्मा होने के कारण वो फंड इतने सालों में यहाँ पर ला नहीं पाया, और एक बड़ा कोई भी बड़ा विकास किया नहीं। यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज नहीं है, यहाँ एक अच्छा अस्पताल नहीं है, ऐसा ये चीज़ है, तो ये सब काम इन्होंने किया नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में आपने देखा होगा, रमेश सिंह ठाकुर जहाँ के आमदार थे, पिछले 4 बार वो वहाँ कॉरपोरेशन चुन के आए, 92 से लेके आप देखोगे 92 में, 97 में, हाँ 2002 में, फिर 2007 में, 4 बार चुन के वहाँ से नगर कांदोली से आए। लेकिन उस समय तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में से, लेकिन विकास करना, देखिए पार्टी कोई भी हो, आदमी को विकास करने की इच्छा हो, काम करने की इच्छा होनी चाहिए, तो काम करते हैं ना। यहाँ पर आप देखोगे कि मलाड विधानसभा में इतने साल से राज कर रहे हैं, इनका खासदार था गोविंदा, इनका खासदार था संजय निरुपम, ये खुद विधायक थे, सरकार इनकी थी, तो क्यों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार से फंड लाकर, अरे 40 साल से सिया समाज यहाँ पर एक कब्रिस्तान मांग रहा है, वो कब्रिस्तान ये दे नहीं पाए, हाँ लोगों को यहाँ 2 घंटे लगते हैं, लोगों के पास, गरीबों के पास पैसा नहीं है, टैक्सी करके जाना पड़ता है, और जाके उनको रेल रोड तक इतना 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है, तब जाके वो दफन भूमि उनकी रेल रोड पे थी। खासदार गोपाल चड्डी ने 2013 में जब उनको मालूम पड़ा कि वो विधायक थे, उसी समय से उन्होंने प्रयत्न शुरू कर दिया, और आज यहाँ पर 5 एकड़ का कब्रिस्तान अम्बोजवाड़ी में दिया, सिर्फ सिया समाज को नहीं दिया, हिंदू समाज को भी दिया, क्रिश्चियन को भी दिया, बोरा समाज को भी दिया, तो ऐसे गोपाल चड्डी है जो करते हैं। अश्लम सिंह का कहना है कि जिस तरह का, अगर गोपाल चड्डी जो काम 4-5 सालों में करेंगे, वो मैं सिर्फ 2 सालों में कर दूंगा। 2 साल में, अभी तो ये बोलेगा इतने साल नहीं किया कुछ काम, और वो भी देखिए काम गोपाल चड्डी करते थे, मालोनी में कटौती लगाता था, इसको मालूम है वहाँ मठ और सो की पुल पास हो चुका है, उसका कॉन्ट्रेक्टर भी अपॉइंटेड हो गया है, जो लगून रोड से लोखंड वाला अंधेरी लोखंड जो पुल ब्रिज है वो भी पास हो चुका है, मारवे से मनोरी के लिए ब्रिज पास हो चुका है। दूसरी बात, हम एक मारवे से रोरो जेट्टी का भी
आप देखोगे रोरो जितनी भी पास हुई उसका काम चालू है, अभी आधा बन चुका है, आधा बनने का बाकी है। इसके बाद जो लिंक रोड से जितने रोड, एक तो ब्रिज है जो एलिवेटर ब्रिज बनाकर, जो लिंक रोड मलाड बस डिपो के बगल से, इन्फिनिटी के बगल से वो रोड आ रहा है, वो ब्रिज एलिवेटर ब्रिज बनाकर सीधा लगून रोड आएगा आड़ा पट्टा, और आड़े पट्टे पर जो एंक्रोचमेंट है हटकर डायरेक्ट मालोनी अगार को जुड़ जाएगा, ताकि बस की आज 40 सालों से मालोनी के लिए सिर्फ एक ही रोड है अब्दुल हमीद रोड, दूसरा एग्जिस्टिंग रोड नहीं है। तो अगर ये जुड़ जाता है जो मालोनी अगार से, तो बस की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, लिंक रोड से आना जाना होगा, जो मारियो रोड का लोड है वो कम हो जाएगा, और मारियो रोड भी हम वाइंडिंग कर देंगे। दूसरी बात, आज खासर गोपाल चेट्टी को कई सालों से, आज मैं आपको बोलूँगा आईएनएस हमला है यहाँ पर, जहाँ नेवी है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, ये सारे हेडक्वार्टर्स यहाँ पर है, उनको निकलने के लिए देखिए, आप जानते हैं कि जो मिलिट्री वाले हैं, सिविलियन है, वो लोग टाइम टू टाइम हर चीज़ करते हैं, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सब कुछ करना, लेकिन ये ट्रैफिक इतनी हो जाती है यहाँ पर कि उनका सारा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। उसके बारे में कई बार उन्होंने शिकायत की, इसके पहले सरकार से उन्होंने किया था, गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार ने कभी नहीं सुना, लेकिन खासदार जब हमारी 2014 में सरकार बनी मोदी जी की, उसके बाद से ये काम गोपाल शेट्टी ने बड़ी तेजी से किया, और आपको दिख ही रहा है कि रोड वाइडिंग हो रहे हैं, नए रास्ते डीपी में आ गए, नए डीपी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सारे रोड डाल दिए। तो ये इलेक्शन आचार संहिता की वजह से नारियल नहीं फोड़ा गया, और असलम शेख को ये मालूम है कि ये काम होने वाले हैं, तो ये बोल रहे 2 साल में सब कर दूंगा। अरे भाई, 25 साल तुमने राज किया, उसके बाद तुमने एक भी अच्छा काम नहीं किया। आज देखो, एक कॉलेज नहीं है, एक अस्पताल नहीं है, मालोनी को लोगों को क्या इतना हमको दूर जाना पड़ता है, भगवती जाना पड़ता है, बुरली जाना पड़ता है, 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ इतनी बड़ी आबादी है मुस्लिम की, एक अच्छा महिला कॉलेज नहीं है यहाँ पर, यहाँ बहुत गरीब छोटे रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, लेबर वर्क के लोग रहते हैं, अपना रोजी रोटी करके पेट पालते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर, वो लोग उन्होंने अपना विकास किया, अपने घर बना लिए उन्होंने, डबल ट्रिपल घर बना लिए, लेकिन जो उनको सांडी का, हमारे खासदार का तरीका देखा है, उससे प्रभावित होकर इस बार मालोनी की जनता, मलाड की जनता पूरी तरह रमेश सिंह ठाकुर को भारी मतों से आने वाले 21 तारीख को चुनकर देगी, ऐसा विश्वास हमने मालोनी की जनता, मलाड की जनता और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता, आरपीआई के कार्यकर्ता, रसपा के कार्यकर्ता पूरी ताकत से रमेश सिंह ठाकुर के पीछे है और उनको भारी मतों से जिता के लाना। एक आखिरी सवाल, उनका कहना था कि जो भाजपा ही है यहाँ के स्थानीय, जो भाजपा ही कार्यकर्ता है, उनको टिकट ना दे के किसी कांदिवली दूसरे क्षेत्र, मतलब दूसरे एरिया से आए हुए उम्मीदवार को टिकट देखिए, टिकट मांगने के लिए रमेश सिंह ठाकुर आज बीजेपी में हैं, पिछले 5 साल से वो बीजेपी में हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो भी लीडर हैं, चाहे मैं विनोद शिलर जी को कहूँगा, आर्यू सिंह जी हैं, योगेश वर्मा जी हैं, ब्रजेश सिंह हैं, संजय ठाकुर हैं, ये पूरी तरह रमेश सिंह ठाकुर के कंधे से कंधा मिला के साथ हैं, वो पूरी तरह वो पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी के सिपाही है, और वो लोग सारे लोग पदाधिकारी जो है, वरिष्ठ लोग हैं, वो सभी लोग गोपाल आदरणीय गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में ये चुनाव बड़े जोर शोर से लड़ रहे हैं, ताकत से प्रचार कर रहे हैं, और हर जगह कार्यकर्ताओं के पास पहुंच रहे हैं कि हमें इस बार भूल, कोई भी भूल नहीं करना है, जो पिछले बार हमसे भूल हो गई है वो भूल करना नहीं है, हमको मालोनी मलाड का विकास करना है, इसके लिए उसमें रमेश सिंह ठाकुर को चुन के लाना है, और हम लोग लाएंगे, ऐसा सभी लोगों ने प्रण लिया है। थैंक यू।